सर्वाइकल कैंसर जो है यह प्रिवेंटेबल है अगर इसकी वैक्सीनेशन ली जाती है, एंड दिस इज द ओनली कैंसर विच इज प्रिवेंटेबल विद द वैक्सीनेशन। और इसका जो वैक्सीन आता है वह दो प्रकार का होता है, वन इज अ बाइवेलेंट वैक्सीन एंड अदर इज अ क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। सो बाइवेलेंट वैक्सीन जो होता है दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसके काफ़ी सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे 6, 10, 16 एंड 18। सो यह जो है दिस इज अ क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जो आती है दैट इज अमंग दिस सब टाइप ऑफ द वायरस, एंड जो बाइवेलेंट वैक्सीन आती है दैट इज फॉर द 16 एंड 18 वेराइटी ऑफ HPV वायरस। आइडियली मैं जो रिकमेंड करती हूँ दैट इज प्रीफरेबल है कि हम क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यह जो वैक्सीनेशन है वह गर्ल्स को तो लेनी ही है, लेकिन साथ में बॉयज़ भी ले ही सकते हैं, क्योंकि इट प्रिवेंट्स इनोजेनाइटल वार्ट्स वगैरह जो होता है वो बॉयज़ में प्रिवेंट करता है। और बेसिकली अगर बॉयज़ को दिया जाता है तो यह हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि जैसे आप सभी को पता है कि कोविड वायरस जो है कोविड में वैक्सीनेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल था, और प्लस जो हर्ड इम्यूनिटी हम बोलते हैं जैसे रूबेला वायरस है, तो रूबेला वायरस का भी वैक्सीनेशन काफ़ी सारे स्कूल में अभी दिया गया था। सो दिस क्रिएट्स अ हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि पूरे जो सोसाइटी है उसमें हर्ड इम्यूनिटी यानी कि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है। सो इसी प्रकार से गर्ल्स एंड बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स सभी को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। और हम आशा रखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसमें जल्द ही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन भी शामिल हो जाए, ऐसी हम आशा रखते हैं। और फ्रेंड्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वह जितना हो सके उतना अर्ली आप अपना वैक्सीनेशन करवा दीजिए,